अस्सलाम वालेकुम भैया, बैठ रहे हैं वीडियो। आज का मेरा एक्शन डी मूवी कद्दर के फिर ट्रेलर पर। इसमें जो मेन एक्टर्स काम करे हैं तमन्ना भाटिया, जिमी अविनाश एज अ मेन एक्टर्स काम करे। टाइम वेस्ट में जल्दी वीडियो की तरफ। थ्री थ्री टू टू वन वन स्टार्ट। स्टार्ट। नेटफ्लिक्स हिंदी यार, बड़ा मजा है यार इसका। सॉरी मेरे पड़े कम कड़ के चल, छाती अंदर ले, छाती अंदर ले। 20 फीट से पता चला है पुलिस वाला करके। तेरे डायमंड एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है। कौन बोल रहा है? अबे इडियट, टाइम वेस्ट मत कर। उनके पास AK-47 है, रोक सको तो रोक लो। तो भगवान की कसम खा के बोल, मैं कैसा आदमी हूँ? मैंने आपके जैसा हरामी आदमी कितने के होंगे ये रेड सॉल्टर? 50 करोड़ के होंगे। कितने के? 60 करोड़ के भी हो सकते हैं, 60 के भी हो सकते हैं। मूल वृत्ति का मतलब समझता है क्या? इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। मेरा सॉलिड है इंस्टिंक्ट। आरोपी नंबर 1 मंगेश देसाई, आरोपी नंबर 2 कामिनी सिंह, आरोपी नंबर 3 सिकंदर शर्मा। आइए। मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता सर। हम यहाँ से दूर जाएंगे तो ही पीछा छूटेगा इस सबसे। आपका पप्पू मिल गया सर, आगरा में है। और पुलिस बोल रही है कि तुम दोनों एब्सकॉन्डिंग हो। चोर नहीं हम लोग। अबू धाबी जाएगा। कैसे हो शर्मा जी? कौन भाई साहब बोल रहा है? इंस्पेक्टर जसविंदर से। तुम्हें जसविंदर ने मेरे पीछे लगाया है? एक तो ये आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पीछा नहीं छोड़ा। और अब किस जसविंदर? मेरा धंधा बंद हुआ आपकी वजह से, मुझे घर छोड़ना पड़ा आपकी वजह से, शहर छोड़ना पड़ा। 15 साल मैं मुंबई से बाहर रहा हूँ आपकी वजह से। सब पता है मुझे। घंटा पता है तुम। आप मुझे जीने नहीं दिया जसविंदर सर। मैंने तुम्हें मरने में नहीं कहा। जबरदस्त। तुम्हारी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर। और डायरेक्टर हूं मैं। और उसका डायरेक्टर हूं मैं। बात करें इस ट्रेलर की, इसमें लास्ट में दिखाया गया है और शुरू में भी इतना थोड़ा सा ना इन्होंने क्लिप दिखाया हुआ है कि जो तमन्ना है उसने अपने साथ में ना बच्चे रखे हुए हैं। मगर जो ट्रेलर का जो दरमियान है उसमें दिखाया गया कि इनकी बाद में शादी होती है और फिर शुरू में इसके बच्चे भी होते हैं और बाद में भी इसने बच्चे पकड़े होते हैं। मुनीभाई इसका थोड़ा क्या सीन है? वही ना, मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा यार, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, आई लव नेटफ्लिक्स यार। कि नेटफ्लिक्स मतलब कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ रिएक्शन में कि यार नेटफ्लिक्स हमारे लिए ना यार, मैं सबसे पहले कहूँगा सल्यूट है नेटफ्लिक्स को कि जो इतनी मज़े मज़े की कह लें कि यार इतनी स्टोरीफुल लेके आता है हमारे लिए मूवीज़ की। यार सोच एक दफ़ा रह जाती है कि यार कैसे और कहाँ से यार इतना मतलब कि उठा के ले आते हैं। तो सबसे पहले तो जैद भाई की बात, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको कि जैद भाई इसमें आपने देखा है कि एक एक क्लिप में अलग अलग जोन सा वो सस्पेंस है। कोई भी क्लिप अपने पिछले क्लिप के साथ जोन सा वो मिल नहीं रहा। तो मैंने भी पूछा कि वो पिछला क्लिप आगे वाले क्लिप से डिफरेंट है, डिफरेंट है, यही बात है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी चीज दिखाई है उन्होंने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है अपने गले के अंदर, लेकिन मे भी या तो उनकी शादी पहले हुई है या उनसे क्लिप जो सा वो आगे पीछे हुआ, दोनों में से भी एक बार है। क्योंकि जब ये तमन्ना भाटिया इसके साथ अपने कुलीग के साथ शादी करती हैं, शहर छोड़ती हैं, लेकिन बाद में कुलीग शहर छोड़ के दुबई में जाकर किसी और के साथ शादी कर लेता है, तो वो थोड़ी सी स्टोरी कंफ्यूजन मतलब कर रही है। लेकिन ये कि स्टोरीफुल मूवी है, बहुत स्टोरीफुल मूवी है। इस दफा इन्होंने नाम भी बहुत जबरदस्त रखा है, सिकंदर का मुकद्दर। तो सिकंदर इसमें एज अ पुलिस वाले का जो सा उन्होंने नाम जो सा रखा हुआ है, जो कि उनका जो जेन्युइन उनका जो नाम है जिमी शेरगिल उनका नाम है, जो इंडिया के बहुत पुराने एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इनकी पुरानी मूवीज भी देखे तो उनकी एक्टिंग बहुत फाइन है, लेकिन इसके अंदर तो उन्होंने पुलिस वाले का रोल मतलब सल्यूट है यार, बहुत लेवल का कर दिया है। तो पूछते भी एक दूसरे पर्सन से पूछते हैं कि तुम सच बताओ मैं कैसा करते, मैंने आपसे हरामी जो सा इंसान पहले कभी दुनिया में नहीं देखा है। तो यार सच में 15 साल तक जोन सा अविनाश तिवारी जो मुल्क से बाहर रहता है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, देखें आप किस तरह का वो पुलिस वाला होगा जो 15 साल तक एक केस को स्टे करता करता उसको लेके चल रहा है। और देखा जाए तो यूनिवर्स में ये भी कंफर्म नहीं है हमें कि वाकई चोरी इन्होंने की है कि नहीं की, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ये भी चीज नहीं दिखाई कि जो मतलब के ना चोरी करने के लिए जो लोग आए हैं उन्होंने वो भी नहीं दिखाए, मास्क पहने, सिर्फ उन्होंने शूटिंग होती दिखाई है
कि गन्स चल रही है, गोलियां चल रही है, लेकिन और बड़ी बात देखा गया है कि इसमें जो हमने देखा शुरू में कि बता के चोरी हुई है, बता के चोरी हुई है, वो भी प्रॉपर एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के साथ, जैसे हमने देखा था कि वो नेटफ्लिक्स में दिखाया, बताया उन्होंने, नेटफ्लिक्स का सीजन था मनी हाइस्ट, तो उन्होंने दिखाया था, उसमें भी बहुत ही मतलब के उससे रिलेटेड कर रहे हैं लेकिन है नहीं है, लेकिन बहुत ही एक मूवी थी अक्षय कुमार की, जहाँ पे वो ना FBI बन के कॉल करके पहले बताते हैं, फिर वहां जाकर मतलब चोरी करते हैं, कुछ इस तरह की स्टोरी है, लेकिन स्टोरी उस तरह की नहीं, मतलब कि दिख उस तरह की रही है। तमन्ना बाड़िया भी बहुत अच्छी मूवीज बना रही है, बहुत ज्यादा मूवीज के अंदर आ रही है। तो बाकी दोनों एक्टर्स की बात करें, लेकिन जिमी शेरगिल तो आपको जानते हैं, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, बहुत ज्यादा मूवी का डायरेक्टर करते हैं, लेकिन मुझे स्टोरी सच में इसकी बहुत कमाल की लगी है। 29 नवंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, तो मुझे तो यार इसका बहुत लेवल हाई लगा है और बहुत मजा आया इसका ट्रेलर देखने का, क्या सच में यार के बहुत मजा आएगा देखने का। तो मैं मुझे तो इसका इंतजार रहेगा, तो हम इसको लाजमी देखें, हम दोनों भाई को तो ये बहुत कमाल का लगा है, आप अपनी राय रिकमेंड करके लाजमी दिला सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।